हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल आरएम स्पोकन इंग्लिश। और आज हम सीखेंगे वेयर का यूज इन स्पोकन इंग्लिश। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखते हैं हम वेयर, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले लिखना है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हमारा, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? इसमें देखिए, वेयर जो है वो सबसे पहले यूज किया गया है, इसके बाद डू जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, लिव यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हम, वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है, यहाँ पर भी देखिए कहाँ वर्ड यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस में क्या आ जाएगा? Where? Where does he live? Where does he live? Next sentence देखते हैं, वह कहाँ गया? Where did he go? Where did he go? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? तुम यह किताब कहाँ मिली? तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? Where did you find this book? Where did you find this book? हम कल कहाँ मिलेंगे? Where shall we meet tomorrow? Where shall we meet tomorrow? यह रास्ता कहाँ जाता है? Where does this road go? Where does this road go? तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा? Where did you put my glasses? Where did you put my glasses? मैं यह थैली कहाँ रखूँ? Where shall I put this bag? Where shall I put this bag? तुम अब कहाँ जाओगे? Where will you go now? Where will you go now? तुम कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from? Where are you coming from? तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के वेयर के सेंटेंस। इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।